आज हम बात करेंगे घोड़ों की, हॉर्स की। आप किसी भी घर में जाते होंगे तो अक्सर घरों में आपको देखने को मिलता होगा कि घोड़ों की पेंटिंग, हॉर्स की पेंटिंग लगी होती है। परंतु हॉर्स की पेंटिंग लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, हमें क्या लाभ होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और पेंटिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि हमें कैसी पेंटिंग लगानी चाहिए, घोड़ा किस रंग का होना चाहिए, पेंटिंग किस रंग का होना चाहिए और किस दिशा में पेंटिंग लगाना चाहिए और कैसी पेंटिंग लगाना चाहिए और कैसी पेंटिंग नहीं लगाना चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो कि यदि आपके घर में पेंटिंग लगी है या आप लगाने वाले हैं तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दर्शकों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आपका स्वागत है बीएमपी वास्तु पे। आइए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम घर में कोई भी पेंटिंग लगाते हैं, यदि वो सही दिशा में लगी हो और सही पेंटिंग लगी हो तो घर में उन्नति प्रगति हमेशा बनी रहती है। इस जानेंगे कि हॉर्स की पेंटिंग लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घोड़ा हमेशा स्थिरता, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हम यदि अपने घर में, ऑफिस में हॉर्स की पेंटिंग लगाते हैं, फोटो लगाते हैं तो हमारे घर में हमेशा सभी लोग उन्नति प्रगति को प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने ऑफिस में लगाते हैं तो हमारा धंधा, बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता है और पैसों की कमी नहीं होती है, अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे कि 7 घोड़ों की ही पेंटिंग हमें क्यों लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जहां पर भी पेंटिंग लगी होती है उसमें 7 घोड़े होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। वास्तुशास्त्र के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार 7 का बहुत बड़ा महत्व है। सभी धर्मों में 7 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब शादी करते हैं उस समय 7 फेरे लगाते हैं और 7 वचन भी लिए जाते हैं और हमारे जीवन का जो समय बीतता है वो 7 दिनों में ही बीतता है। एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं और उन्हीं 7 दिनों में हमारा पूरा जीवन बीतता है। और 7 सागर भी हैं, 7 ऋषि भी हैं और इंद्रधनुष जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि दर्शाती हैं कि 7 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी अंक माना जाता है। इसीलिए हमेशा हमें 7 घोड़ों की फ़ोटो ही लगानी चाहिए, वैसी ही फ़ोटो लगानी चाहिए जिसमें 7 घोड़े एक साथ। हम यदि घर में या ऑफिस में घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, 7 घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और व्यापार में वृद्धि होती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और जो लोग जॉब के लिए, अपने करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अपने करियर में, जॉब में प्रगति मिलती है, सफलता मिलती है। इसलिए हमेशा हमें अपने घर में या ऑफिस में 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यदि आप तस्वीर खरीद रहे हैं या आपके घर में तस्वीर लगी है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सा रंग होना चाहिए पेंटिंग का और हॉर्स का कौन सा रंग होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पेंटिंग का रंग लाल या तो नीला सबसे उत्तम माना गया है और हॉर्स हमेशा सफ़ेद रंग के हों, व्हाइट रंग के हों, ना कि काले या अन्य रंग के घोड़े नहीं होना चाहिए। हमेशा सफ़ेद रंग के घोड़े उन्नति के, प्रगति के स्रोत माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए हमेशा सफ़ेद रंग के ही घोड़े हमें लगाना चाहिए। हम जानते हैं कि 7 घोड़े की जो तस्वीर है, फोटो है, उसे घर में आप किस दिशा में लगाएं। वास्तु के अनुसार 7 घोड़ों की फ़ोटो हम अपने घर में या ऑफिस में किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, वो लाभकारी और शुभकारी मानी जाती है। परंतु यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, लोगों को, घर के लोगों को हमेशा मान सम्मान में वृद्धि होती रहे, सभी से मान सम्मान प्राप्त होता रहे, घर में उन्नति और प्रगति हम चाहते हैं तो सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा
का स्रोत माना जाता है, इसलिए हमेशा पूर्व दिशा में 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाई जाए तो सबसे उत्तम मानी जाती है। या तो आप उत्तर दिशा में भी 7 घोड़ों की पेंटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा में 7 घोड़ों की फोटो लगाने से हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है। यदि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में जगह ना हो तो आप पश्चिम दिशा में भी 7 घोड़ों की पेंटिंग लगा सकते हैं। यदि धन संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, धन आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत सारा कर्ज है, तो 7 घोड़ों की फोटो दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस में या घर में जहां भी आप फोटो लगाएं या जिस दिशा में फोटो लगाएं, तो हमेशा फोटो ऐसी हो कि घोड़े घर के अंदर की तरफ आते हों, या ऑफिस में लगाए हैं तो अंदर की तरफ आते हों। यदि आप अपने धंधा बिजनेस में उन्नति प्रगति चाहते हैं, यदि आपका धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो आप अपने केबिन में 7 घोड़ों की फोटो लगा सकते हैं। इसे दक्षिण दिशा में लगाएं और इस तरह लगाएं कि घोड़े का मुख अंदर की तरफ हो। आइए अब हम जानते हैं कि हमें कैसी फोटो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने घर में 7 घोड़ों की फोटो या कोई भी फोटो लगाते हैं, यदि हम गलत फोटो लगाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा के जगह बुरा होता है। इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कैसी फ़ोटो लगानी चाहिए या कैसी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। फ़ोटो खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो 7 घोड़ों की फ़ोटो है वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। ऐसी फ़ोटो ना हो जिसमें घोड़े क्रोधित हों, गुस्सा हों, ऐसी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसी फ़ोटो हो जिसमें वो प्रसन्न हो, खुश हो, ऐसी फ़ोटो ही हमें अपने घर में लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमेशा ऐसी फ़ोटो लगाएं जो कि घोड़े दौड़ते हुए हों, ना कि खड़े हुए हों। यदि ऐसी फ़ोटो है जिसमें घोड़े खड़े हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसी फ़ोटो हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें ऐसी फ़ोटो कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें घोड़ों का पूरा शरीर ना दिखाई दे रहा हो, उनके पैर ना दिखाई दे रहे हों, पानी में या रेत में या कहीं छिपे हों, तो ऐसी फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऐसी फ़ोटो लगाना चाहिए जिसमें घोड़े पूर्ण रूप से, उनके पैर, पूरा शरीर पूर्ण रूप से दिखाई दे। हमें ऐसी फ़ोटो भी कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें घोड़ा खंडित हो या फ़ोटो कहीं से टूटी फूटी हुई हो। यदि फ़ोटो टूटी फूटी है या आपकी फ़ोटो पुरानी हो गई है, कहीं से खंडित हो गई है, टूट गई है, उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में प्रवेश होता है, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और अच्छे की जगह बुरा होने लगता है। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक घोड़े की फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए, हमेशा 7 घोड़ों की ही फ़ोटो लगाना चाहिए। जिसमें 7 घोड़े हों ऐसी ही फ़ोटो हमें लगाना चाहिए, और घोड़े का रंग कभी भी काले रंग का घोड़ा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप घोड़े की फ़ोटो लगा रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में डूबता हुआ सूरज है, तो ऐसी फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए। हमेशा उगते हुए सूरज की फ़ोटो, अर्थात जो आप पेंटिंग घोड़े की लगा रहे हैं, उसके पीछे हमेशा उगता हुआ सूरज हो, ना कि डूबता हुआ सूरज हो। हमें ऐसी पेंटिंग भी कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें घोड़े बंधे हुए हों। जैसे बहुत सारी पेंटिंग होती हैं जिसमें घोड़े रस्सी में बंधे रहते हैं या कहीं भी बंधे रहते हैं, हमेशा घोड़े दौड़ते हुए होना चाहिए, ना कि बंधे हुए हों। और हमें ऐसी भी पेंटिंग कभी भी नहीं लगाना चाहिए जिसमें घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हों। हमेशा एक दिशा में ही जाने वाले घोड़ों की फ़ोटो या तस्वीर लगाना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसी फ़ोटो हम ना लगाएं, 7 घोड़ों की ऐसी फ़ोटो ना लगाएं जिसमें घोड़े बराबर दिखाई ना दे रहे हों, धुंधले दिखाई दे रहे हों, तो ऐसी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। हमेशा बराबर घोड़े दिखाई दें, ऐसी फ़ोटो लगाना चाहिए, और फ़ोटो को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं घोड़े की फ़ोटो हमें कहाँ नहीं लगाना चाहिए। घोड़े की फ़ोटो मंदिर के स्थान में, यदि आपके घर में मंदिर का अलग से रूम बना हुआ है या मंदिर बनी हुई है,
मंदिर के अंदर या मंदिर का जो रूम है उसमें कभी भी घोड़ों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। या बच्चे जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं जिसे अध्ययन कक्ष भी कहते हैं, वॉशरूम या टॉयलेट में सात घोड़ों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि मेन गेट के पास कभी भी सात घोड़ों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। आइए अब हम लास्ट में जानते हैं कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, आप में मेल जोल नहीं है, वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, आपकी एक दूसरे से पटती नहीं है, तो आप शयन कक्ष में धातु से बने घोड़ों का जोड़ा लगा सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो दर्शकों, ये रही सात घोड़ों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वास्तु से जुड़ी दूसरी कौन सी वीडियो आप चाहते हैं या इसके अलावा कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।